हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्तमश। जैसा कि हम लोग आज जो भी बात करेंगे वो कैपजेमिनी के बारे में बात करेंगे। आखिर कैपजेमिनी का ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आ रहा है, कैपजेमिनी ने ऐसा क्यों किया है, कैपजेमिनी आखिर लड़कियों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दे रहा है, लड़कियों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जैसा कि मेरे कुछ सीनियर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, उन लोगों से मुझे पता लगा कि आखिर उनका ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया। 4 से 5 महीने गुजर चुके हैं प्लेसमेंट से कॉलेज के, ठीक है। अब बहुत लोग इंतज़ार में हैं कि कब आ जाएगा, अब आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। व्हाट, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आइए हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पर समझते हैं कि कैसे क्या कर रहा है कैपजेमिनी और कब आपका ज्वाइनिंग मिल सकता है। चलिए हम लोग यहाँ बेसिकली हम समझते हैं कैपजेमिनी ज्वाइनिंग लेटर रिसीव क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहली बात बता दूं कि किसी भी इंसान को, कोई भी हो, चाहे वो बीटेक किया हुआ हो, बीसीए किया हुआ हो या फिर किसी भी 3 टायर में किया हुआ हो, उन्हीं को एमएनसी में जाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर नीट, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि स्ट्रॉन्ग रिपुटेशन ग्लोबल, इंसान सोचता है कि हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले तो ये तो देखो कि एटलीस्ट तुम लो सैलरी पर स्टार्ट करोगे। चलो अच्छी बात है, स्टार्ट करो, लो सैलरी पर स्टार्ट करोगे अच्छा करने के लिए, लेकिन तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरी ही नहीं होती क्योंकि तुम्हें ज्वाइनिंग ही लेटर नहीं मिलता और नहीं मिलने का भी कारण है। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में। देखो यहाँ मैं समझाऊँ थोड़ा चीज़ों को बेहतर तरीके से। सबसे पहली बात, हाउ दे डिलेइंग इन ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर पर वो डिले क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला मेन काउज ये हो सकता है कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट हैं अभी भी वो ज़्यादा होंगे उनके नंबर ऑफ सीट जितनी उनकी वैकेंट है, इस वजह से वो डिले कर रहे हैं कि आखिर देना किसको चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देखो नेक्स्ट पे। नाउ कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च पे भी, यहाँ पर एक डाइवर्सिटी क्रिएट की जा रही है इक्वालिटी की, यानी जितने नंबर ऑफ मेंस काम करेंगे उतने नंबर ऑफ वुमेन्स काम करेंगे, ठीक है। कैपजेमिनी इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयर एंड डाइवर्सिटी ऑफ द इंक्लूजन बिजनेस प्रायोरिटी। 40% जो है वर्कफोर्स वो वुमेन का वो करने चाह रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई करो, लेकिन आखिर तुम बच्चों को जब ले जा रहे हो तो उनको ज्वाइनिंग लेटर दो ना जब वो क्वालिफाइड हैं, उनका एक अलग हक है जिस बेसिस पर उनकी एक स्किल्ड है, ठीक है। ये कुछ मैं कमेंट्स लगाया हूँ जिन्होंने मुझे भेजा था और कुछ मैसेजेस भी थे, पर मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहूंगा, ठीक। नेक्स्ट पर देखते हैं क्यों, आइए देखते हैं। इस वीडियो, इस पिक्चर को आपको देखकर कुछ लग रहा होगा कि आखिर ये पिक्चर क्यों लगाया है। ये बेंगलुरु की न्यू रिक्रूटमेंट ऑफिस है, ठीक है, जहाँ रिक्रूटमेंट हुआ है, मतलब करीब करीब 50-60 बच्चे हैं, 50-60 जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें मैं एक चीज बताऊंगा, कैपजेमिनी कमिटेड डाइवर्सिटी इक्वालिटी, ये बार बार बोला जा रहा है, स्ट्राइव टू द क्लोज द जेंडर डाइवर्सिटी गैप को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आपको ये चीज भी तो सोचनी चाहिए, ये 50-60 की भीड़ में तुमको एक लड़का, 2, 3, 4, 5, इनके अलावा आप गिन के रखो कि अगर 60 में मान लेते 50 ही है, ठीक है, 50 में 5 का अगर है तो कितना है, 10% बॉयज है, 90% गर्ल्स है। भाई आखिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें लड़कों का क्या कसूर है, उन्हें क्यों नहीं ज्वाइनिंग लेटर दे रहे। लड़कियों को तुम देख लो, तुम आगे से पीछे तक जितने भी लोगों को देखोगे यहाँ सारे, और यहाँ मेरे एक ये, मैं ये नहीं, मैं किसी का भी रिवील नहीं करूँगा कि हाँ किन्होंने बताया, किन्होंने भेजा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे और ना तो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, ठीक। इस वजह से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर आपका ये रेशियो रहेगा 9:1 का, 9 लड़के पर 1 लड़की को अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है तो तुम सोच लो कि तुम कहाँ पर हो। इसलिए भाई अपने आप को स्किल्ड करो, कहीं अच्छे जगह प्लेस्ड हो, मेरी मानने से अच्छा है 15-20 हज़ार में मत जाओ। ये एक बहुत बड़ा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट है, तुम्हारा पूरा साल बर्बाद कर दिया गया, 6-7 महीने प्लेसमेंट के हो चुके हैं,
6-7 महीने प्लेसमेंट के होने के बावजूद तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं है, ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम्हें टर्मिनेशन लेटर थमा दिया जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और जिनको ज़रूरत है, जो भी आप इस तरीके से हैं, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी भेजिए, पता तो लगे कि हाँ किस तरीके से चल रहा है। नौ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो मेरे एफर्ट के लिए लाइक मारो, लाइक मार सकते हो यार, और सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस के लिए। इसी तरीके से अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं इस तरीके की वीडियोस, जानकारी इसको आपको देते रहूं, बार बार इंफॉर्मेशन जब भी मेरे पास रहे मैं आपको सबसे पहले अपडेट करना चाहूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।